तो स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम फिजिक्स में, अपनी फिजिक्स की सीरीज में, हम जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जो हमें फिजिक्स में यूज होते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा फिलहाल टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने कल आपको पूरा कैसे होता है डिफरेंशिएशन वो भी बता दिया था, और फिर ये भी क्लियर हो गया था कि कैसे कुछ जो आइडेंटिटीज़ होती हैं डिफरेंशिएशन के लिए, कि उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे थे, उसमें e की पावर जो एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शंस थे, कि उनका डिफरेंशिएशन होता है तो क्या वैल्यू आती है, वो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल से हम निकाल सकते हैं। उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। वहाँ पे एक नोटेशन हमारे सामने आई थी जिसको हमने डिस्कस वहाँ पे नहीं किया था। क्या था कि वहाँ पे ऐसा लिखा था, वहाँ पे क्या लिखा था, वो जो हमारी पास शीट थी, शीट जो हमने आपको दिखाई थी, उसमें क्या लिखा था, ऐसे ऐसे था कि डी बाई डी एक्स, जैसे हम क्या लिखते हैं अभी डी वाई बाई डी एक्स, और ये इसकी कोई वैल्यू होती है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है। सपोज डी वाई बाई डी एक्स हमारा है 4x, ठीक है, अगर ये वैल्यू आई हमारी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4x, तो उसमें क्या लिखा रहता था, उसमें कुछ कभी कभी ऐसे लिखा रहता था, देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स जैसे लिखते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स 4x। या फिर सपोज उसमें फंक्शन रहा हो कोई, वहां पे अगर हम कहते हैं मान लीजिए कोई फंक्शन रहा हो, ये क्या रहा होगा, अगर आप अभी इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि इस अगर डिफरेंशिएशन दिया है हमारा, कि उसका डिफरेंशिएट करके वैल्यू दी है, तो हम फंक्शन कैसे निकालते हैं। फिलहाल हमें इसका फंक्शन अगर सपोज y रहा हो, y इक्वल्स fx रहा हो, और fx की वैल्यू क्या रही हो 2x2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy by dx क्या होगा यहाँ पे, अब बताइए, अभी हमें पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो dy dx ऑफ 2x2 यही था। ये कैसे आया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम निकाल चुके थे। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या फॉर्मूला आया था कि अगर आपका कोई कांस्टेंट है आगे, जिसे कांस्टेंट 2 है, तो वो तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएशन पे उसका कोई, उस पर डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज, तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 होगा, तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। और ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर का अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको हम एक्स पावर एन में लिख सकते हैं, और हमने अभी पिछली क्लास में एक्स पावर एन को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके वैल्यू निकाली है। क्या आया है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, हाँ ये क्या आया था, एन एक्स पावर एन माइनस वन, है ना, यही आया था। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर है यानी एन की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ये 2 तो बाहर है ही, 2 तो बाहर हमारा है ही, आगे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 आगे आ जाएगा यानी एन आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर एन माइनस वन, और 2 माइनस वन 1, तो एक्स की पावर 1, तो एक्स लिख देते हैं, और ये क्या वैल्यू आएगी, 4x। तो यहाँ से है कि हमारा जो ये लिखा है वैल्यू कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स 4x, तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहां से हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि y की वैल्यू जो रही होगी, यानी fx जो हमारा रहा होगा, फंक्शन ऑफ x, वो क्या रहा होगा, 2x2, ठीक है, y की वैल्यू क्या रही होगी, 2x2। और इसी नोटेशन को, इसी जो ये हम लिखते हैं, इसी को एक स्पेशल नोटेशन में वहां पे लिखा गया था, क्या वैल्यू दी थी वहां पे, क्या लिखा गया था, f डैश एक्स, डैश ऐसे साइन होता है, ये अपोस्ट्रॉफी आप जिसे लगाते हैं वहां पे, हम इसको डैश बोलते हैं, तो एफ डैश एक्स लिखा था, इसका मतलब और कुछ नहीं होता, इसका बस यही मतलब है, एफ डैश एक्स लिखा है, या कोई भी और कुछ चीज लिखी है, कोई वैल्यू लिखी है जिस पे डैश लगा है, इसका यही मतलब है कि वहां पे उसको डिफरेंशिएट कर दिया गया उसके बाद जो वैल्यू आई है। जैसे अभी एफ एक्स क्या था, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखते हैं तो एफ एक्स क्या था, अभी एफ एक्स ये था, है ना, ये था एफ एक्स यहाँ पे 2x2, और जब f डैश x लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाए f डैश करके x लिखा जाएगा, तो इसका मतलब यही होगा कि जो fx था उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो उससे उसकी क्या वैल्यू आई, 4x, ठीक। और इसको और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है, y डैश, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जब डिफरेंशिएट नहीं होगा, जब नॉर्मल फंक्शन होगा तो उसको नॉर्मली लिखेंगे,
जो सिंबल यूज कर रहे हैं, एफ एक्स यूज कर रहे हैं, वाई यूज कर रहे हैं या पी क्यू जो भी यूज कर रहे हैं, नॉर्मली लिखेंगे। और जब हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो या तो आप इस फॉर्म में लिख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, या इस फॉर्म में आप लिख लीजिए, या फिर आप इस फॉर्म में लिख दीजिए कि जो फंक्शन था उसी के ऊपर फंक्शन का जो सिंबल हम यूज कर रहे थे, जैसे वाई यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एफ एक्स यूज कर रहे हैं, उसी में आप एक डैश लगा दीजिए, एक एपोस्ट्रॉफी का सिंबल। तो ये वहां से हुआ था। और एक चीज और थी, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है डैश जो लगा होता है उसका यही मतलब है कि उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। एक और चीज थी, क्या था कि डी बाई डी एक्स, हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दिया था, ये वैल्यू दी थी। इसको आप समझने के लिए सिंपल सा है, वही है, खाली दो फंक्शंस क्या है, दो फंक्शंस का आपस में मल्टीप्लाई है, आपस में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमें दिया हो, इसको बड़ा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिया हो कि एक फंक्शन है एक एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एक्स पे एक ऑपरेशन है एफ एक्स, उसका क्या फॉर्मूला है टू एक्स स्क्वायर प्लस वन सपोज, और जी एक्स एक दूसरा फंक्शन हम मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं फाइव एक्स क्यूब सिर्फ। अब अगर आपको दिया गया हो कि एक और फंक्शन है, सिंपल है कि वाई की वैल्यू जो है वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू फाइव एक्स क्यूब, सपोज आपको ये दिया हो, तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इसको इंटरनली मल्टीप्लाई कर लें, बराबर क्या हो जाएगा 10x की पावर 5 है ना प्लस 5x क्यूब, ठीक है, 5 से 2 का और x स्क्वायर की जो x की पावर ऐड हो जाएगी, और इसको आप 1 बाय 1 करके, जैसे सम का हमने देखा था, तो 1 बाय 1 करके कि अगर दो फंक्शंस का सम है, तो अगर ये जैसे अगर ये है कि fx है एक फंक्शन और प्लस gx है, हाँ, और इसका हम अगर d बाय dx इसको अगर निकालते हैं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी d बाय dx ऑफ एफ एक्स प्लस d बाय dx ऑफ जी एक्स, और ये वैल्यू, ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है, यहाँ पे हमने लिखा है कि d बाय dx ऑफ एफ एक्स प्लस d बाय dx ऑफ जी एक्स, ये वैल्यू आप प्लस हो या माइनस हो दोनों के लिए होल्ड करती हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हम लिख देते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स है या एफ एक्स माइनस जी एक्स है, उसी अकॉर्डिंग में एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये हो जाएगा। और इसी को जैसे हमने लिखा था, तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये क्या लिखा है टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और फाइव एक्स क्यूब, आप इनको दो अलग अलग फंक्शन मान सकते हैं कि एक फंक्शन है एक्स का, फंक्शन क्या, एक ऑपरेशन एक्स पे आप कोई ऑपरेशन करते हुए फंक्शन हो गया, तो एक्स पे हमने एक ऑपरेशन किया कि टू एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दिया, और दूसरे वाले फंक्शन में क्या किया कि एक्स को पहले क्यूब कर दिया, एक्स का क्यूब निकाल लिया, फिर उसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फाइव एक्स क्यूब कर दिया। अब ये दोनों ऑपरेशन हैं, दोनों फंक्शन हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आप बस कुछ नहीं, यही आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला का एक्सपेंशन क्या था, ये क्या था, ये एफ एक्स, हाँ ये क्या था कि आप पहले एफ एक्स को एज इट इज लिख लीजिए जैसा है एफ एक्स, और फिर जी डैश एक्स, जी डैश एक्स का क्या मतलब है, बस वही कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, मतलब जी को आप जो जी वाला फंक्शन है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, प्लस जी एक्स, अब जी एक्स को बाहर लिख दीजिए डिफ्रेंशिएशन के बाहर, बिना डिफ्रेंशिएट किए जी एक्स की जो वैल्यू थी, और आगे क्या लिख देंगे एफ डैश, ठीक, मतलब f को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक वही वैल्यू d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को हम g डैश x लिखते हैं, और प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, बस यही वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल को हम रखते हैं, एक बार देखते हैं, बस हम आगे चलेंगे अपने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर पे। आगे आप एग्जांपल, हमारा फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इसको सेपरेट कर देते हैं एक लाइन से, ये मैंने ब्लू लाइन एक बना दी थी, एग्जांपल जो हमने पिछला लिया था उसको यहाँ से हम सेपरेट कर दिए,
ये हमारा फॉर्मूला था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, एक छोटा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कि गिवन क्या है, वाई इक्वल्स, वाई जो वैल्यू है हम वाई लेते हैं कि एक्स और वाई कॉमन टर्म्स हैं, बस आप कुछ भी पी क्यू आर एस कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में सपोज वाई दिया था कि वाई एक फंक्शन है एक्स का, अब वो कैसे किस तरह का फंक्शन है जो अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा था वही रखते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इंटू फाइव एक्स क्यूब। ये वाई का फंक्शन, ये जो एक्स का फंक्शन है, यानी आप ये हम देख सकते हैं कि इसमें दो फंक्शंस मिले हुए हैं, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये वाला फंक्शन है। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। या आपसे ये ना पूछ के ये पूछ लिया जाता है, मान लीजिए ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया वाई डैश निकालो, वाई डैश की वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू हमारी ये है, वाई डैश का मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए ब्लू से सॉल्व जो करते हैं हम ब्लू से करते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा ये जो हम सॉल्व करेंगे वो ब्लू कलर से सॉल्व करते हैं। कैसे, अब वाई हमको निकालना है कि वाई डैश क्या होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो करते हैं लेट, क्या करेंगे हम, लेट मतलब माना कि, लेट हम मान लेते हैं कि टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये कि इसकी वैल्यू क्या है, ये एफ एक्स है, एक फंक्शन है कोई एफ नाम का, और एंड फाइव एक्स क्यूब इक्वल्स जी एक्स, मतलब एफ जी, ये जो पहला फंक्शन था कि टू एक्स स्क्वायर प्लस वन उसको हमने एफ एक्स मान लिया और फाइव एक्स क्यूब जी एक्स मान लिया। तो वाई क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये क्या इंप्लाई करेगा, इसका क्या मतलब होगा, ये जो साइन है ये पता है ना आपको, ये जो साइन है ये होता है इसका, इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज दैट, मतलब इसका ये इम्प्लीकेशन है, ये इसका ये अर्थ हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है, क्या बता रहा है ये कि y जो है, अब एफ एक्स और जी एक्स हमने लेट कर लिया तो y क्या बन गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स, अभी जो y ये था अभी वो ये बन गया। हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताइए ज़रा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सीधा डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पे आप वो वैल्यू रख दीजिए अपनी, एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना, वो वैल्यू आ गई। और एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, पिछली स्लाइड में हमने लिखा था, ये देखिए एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ज़रा इसको अभी एक साथ ना करके अलग अलग करते हैं हम कि एफ डैश एक्स क्या होगा, ये काम है हमें निकाल लेते हैं। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यहाँ पे क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही होगा ना एफ डैश एक्स। अब टू एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दीजिए, क्या था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये इसके इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कि अभी जो ब्रैकेट में है ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया अंदर जा करके, इससे भी साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके भी ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये वैल्यू क्या बन के आएगी जरा बताइए, ये वैल्यू क्या बन के आएगी, अब डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर, तो वही टू तो भाई कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला है तो वो पहले ही डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा, कि हमको भैया बख्श दो, हमको कोई मतलब नहीं है डिफ्रेंसिएशन से, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वन, वन एक कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब अगर आप एक्स में चेंज करेंगे तो उस चीज में क्या अंतर आएगा, उसको कहते हैं हम उसका डिफ्रेंसिएशन। अब आप एक्स को जरा चेंज करेंगे, देखिए वन की वैल्यू क्या बनती है, एक्स को पाँच लाख कर दीजिए, देखिए वन की वैल्यू क्या रहेगी, वन ही रहेगी। एक्स को माइनस 200 कर दीजिए, देखिए वन की वैल्यू क्या होगी, वन तो एक कॉन्स्टेंट है तो वन की वैल्यू कुछ चेंज ही नहीं होगी। तो अगर चेंज हो ही नहीं रहा है तो रेट उसका क्या निकलेगा, जब कोई चीज़ चेंज ही नहीं हो रही है तो उसका चेंज का रेट क्या है, जीरो, क्या बन जाएगा प्लस जीरो। तो कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो जीरो होता है, और यहाँ पे टू और एक्स स्क्वायर है तो एन एक्स पावर एन माइनस वन ये आएगा, एन मतलब टू इंटू एक्स पावर एन माइनस वन यानी वन, यानी इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, इसको हम सीधा लिख सकते हैं, ये इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, टू एक्स, और ये क्या बन जाएगा
4x, तो f डैश x हमारा आ गया यहाँ पे भाई, f डैश x तो हमारा आ गया, क्या आया हमारा f डैश x 4x। अब निकालते हैं g डैश x, ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू रख दीजिए आप, जी एक्स की क्या वैल्यू थी पीछे से देखते हैं, जी एक्स की वैल्यू क्या हमने लटकी थी 5x³, तो जी एक्स की जगह पे क्या लिख देते हैं 5x³। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी, 5 बाहर चला आएगा, क्या बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ x³। ठीक, और अब x³ मतलब x की पावर n, n की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा 5 × 3 एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2, n 3 है तो n माइनस 1 2, तो 3x² बन जाएगा x³ का डिफरेंशिएशन, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी फाइनल 15x² बस। अब हमारे पास ये देखिए, अब हमारे पास अब ये देखिए जी डैश एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, ये क्या है जी डैश एक्स, और हमारे पास ये भी वैल्यू है, ये क्या है एफ डैश एक्स, क्या है हमारा एफ डैश एक्स मतलब एफ का डिफरेंशिएशन। बस हमारा काम अब ओवर हो गया, क्यों, क्योंकि अब हमें सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या कहती है कि, तो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू कि जो हम निकाल रहे हैं d बाई डी एक्स, उसको वैल्यू क्या रखेंगे हम, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा एफ एक्स, पहले एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, यही था ना, प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, पहले को नॉर्मल छोड़ दीजिए फर्स्ट फंक्शन को, और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए मल्टीप्लाई में, प्लस दूसरे वाले को अब की बार सेकंड वाले फंक्शन को नॉर्मल छोड़ दीजिए जैसा है, और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए इस तरह से। तो एफ एक्स की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी 2x² + 1, और जी एक्स था 5x³। तो एफ एक्स को लिखते हैं, एफ एक्स को हम तुरंत लिखते हैं 2x² + 1, ठीक, इंटू जी डैश एक्स क्या आया हमारा 15x², ठीक, प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, जी एक्स की वैल्यू थी 5x³, इंटू एफ डैश एक्स क्या आया हमारा 4x। आप इसको चाहे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए अगर चाहें तो, कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इसको इंटरनली आप अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 15 × 2 = 30 एक्स की पावर 4 प्लस 15x² प्लस 5x³ और 4x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 20x⁴। और यहाँ देखिए x⁴ वाले दो मिल गए हमको, ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 50x⁴ प्लस 15x² बस। ये हमारा आ गया y डैश, हाँ क्या आ गया हमारा यहाँ से y डैश। देखा आपने हमने क्या किया, सिंपल सा और कुछ नहीं किया हमने, ना फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ किया, ना यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया, हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ के सेट था, हमारे पास जो सारी आइडेंटिटीज़ अलग अलग थी उनको यूज़ किया हमने, और उन आइडेंटिटीज़ से हमारा जो दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन वाली आइडेंटिटी थी उसको यूज़ किया, हमारी वैल्यू आ गई सीधा वाई डैश की, क्या वैल्यू आ गई 50x⁴ प्लस 15x², सिंपल ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ऐसे जो दूसरा वाला दिया था हम उस पर एग्जाम्पल अभी फिलहाल नहीं करेंगे, आप एग्जाम्पल्स आगे सॉल्व कर सकते हैं उस शीट से। दूसरा हमारे पास एक क्या था जो एक इम्पॉर्टेंट था, एक आ जाती है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स जो था, ये क्या वैल्यू होती है, इसकी वो कोई चेंज नहीं आता, ई पावर एक्स ही रहता है, क्या रहता है ई पावर एक्स। आप ई का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको ई पावर एक्स का, आप सिंपल से अब कहीं से भी आप ई का जो एक्सपेंशन होता है, ई एक वैल्यू है, एक्सपेंशन एक सीरीज होती है, उसका सम होता है, तो आप उसको ई का एक्सपेंशन तुरंत सर्च कीजिए कि ई का वैल्यू क्या है, और फर्स्ट प्रिंसिपल से आप अपने रख दीजिए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाल लीजिए, फिर लिमिट रख दीजिए डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और आपकी यही वैल्यू आएगी ई पावर एक्स जो था वही आ जाएगा। एक जो दूसरा था ऐसे डी बाई डी एक्स, अभी देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई वाला किया, एक दूसरा वाला जो कौन सा था कि अगर इन दो फंक्शन का डिवीजन है, अगर डिवीजन है दो फंक्शन का, यानी एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ठीक, एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, इसका क्या आइडेंटिटी था, यहाँ से देखते हैं क्या आइडेंटिटी थी इसकी, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स
एफ एक्स जो था, जो हमारा पहला फंक्शन था, उसका जो डिवीजन हुआ था उसकी वैल्यू यहाँ से, ये देखिए जो डिवीजन वाला था वो आइडेंटिटी हमारे पास, ये शीट खुली रहे यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई का था, यहाँ पे डिवीजन का है। डिवीजन में क्या आया फिर, यहाँ पे डिवीजन में हमारे पास क्या आया, ये देखिए ये, यहाँ पे हमने पहले पहले फंक्शन को छोड़ा था नॉर्मल और दूसरे को डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे उसका उल्टा करना है डिवीजन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का उल्टा होता है, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर, सिंपल सी अपॉन जी एक्स का स्क्वायर यहाँ पे ओपन करते हैं। ये देखिए इसका क्या आया था, पहले जी एक्स आप लिख लीजिए, जी एक्स में कोई वैल्यू हो सकती है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, एफ एक्स को ऐसे छोड़ दीजिए, जी डैश एक्स, और उसके नीचे अपॉन डिवाइड में ये जो जी एक्स का था, जी एक्स का होल स्क्वायर, पूरा जो जी एक्स फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। ये था हमारा आइडेंटिटी जब डिवीजन हो रहा है फंक्शन का उसका। तो आप ऐसे ही उस शीट से यूज करके, उस शीट को यूज करके, या तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल, चूंकि फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत लंबा हो जाता है और आप सीखने के लिए उसे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये आइडेंटिटीज दी हैं, आइडेंटिटीज का यूज करके आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन का।